हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, आपका ईद का दिन जो है वो कैसा गुजरा? आज जो है ईद का सेकंड डे है और हम लोग रेडी हो गए हैं। मेरी फ्रेंड और उनकी फैमिली जो है उनकी कॉल आई है और वो लोग आ रहे हैं डिनर पे हमारे साथ। तो जी, हम लोग ने आज जो है वो रेडी हो गए और मैं उनको रिसीव करने जा रही हूँ। जी जनाब, वो लोग आ गए हैं। आने के बाद जो है एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं और गुडी बैग्स जो है एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं और बच्चे जो बड़े हैप्पी हैं और उन्होंने एक दूसरे को ईद मुबारक बोला। एक्चुअली जईम जो है वो अब्रिश के साथ जो है अब्रिश की क्लास फेलो भी हैं और ये सेम स्कूल में पढ़ते हैं। जी, बच्चे जो है वो कैट से खेलने के बाद जो है वो अब्रिश को आंटी ने ईद दी और ईद लेने के बाद जो है वो लोग अपने अपने मोबाइल लेकर उस पर गेम्स देख रहे थे अपने। हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा गपशप लगाई और बच्चों को आपको पता है कि मोबाइल्स हो तो फिर वो दुनिया भूल जाते हैं, तो बस वो लोग अपने आपस में जो है वो गेम्स देख रहे थे। मैं उसके बाद जो है वो किचन में गई और मुझे कुछ खाना रेडी करना था क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो शाम में आई थी, तो मुझे ये था कि हम साथ साथ बातें करेंगे और साथ साथ खाना बनेंगे। तो मैंने बहुत सिंपल सा जो है वो डिनर अरेंज किया था। डिनर में मैंने जो है वो चिकन कोरमा बनाया था, कोफ्ते बनाई थी और मटर पुलाव थी और साथ में रायता था और सैलड था। मीठे में मुझे जो है वो मैंने सेवैयाँ बनाई थी, शीरखुरमा बनाया था, जो कि आपको पता ईद पे शीरखुरमा ना हो तो मज़ा नहीं आता ईद का और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो जनाब, बस हम लोगों ने जो है वो खाना खाया मिलकर और ईद पे गपशप की। और इसके अलावा ईद पे आपको पता है कि यही होता है कि फ्रेंड्स आपके घर आ जाएं या आप लोग बाहर चले जाएं और कुछ आउटिंग हो जाए, तो इसी तरीके से ईद का जो है वो मज़ा आता है। आज के दिन हमारा कुछ प्लान नहीं था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रेंड आ गई, बच्चे आ गए और अब्रिश ने भी बहुत इन्जॉय किया। जईम और अब्रिश साथ में पढ़ते हैं तो दोनों ने बहुत अच्छे से जो है वो गपशप लगाई और हमें भी बहुत मज़ा आया इनके साथ बैठ के खाना खा के। मेरी अम्मी अबू भी बहुत खुश हो गए। और जनाब, यहाँ पे अबू जो है वो बच्चों को ईद दे रहे हैं और आपको पता है ईद के बगैर जो है बच्चों को जो है वो ईद ही नहीं मिले, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके बगैर तो ईद इनकम्प्लीट है। तो बस जी, बच्चे खुश हो गए और अब्रिश जो है वो रूम में थी। अब्रिश को जब पता चला तो अब्रिश ने भी डिमांड की, जी मुझे भी ईद चाहिए। तो अब्रिश को भी जो है वो नाना अबू ने ईद दी और उसके बाद जो है वो बस इन लोगों ने निकलना था। अब्रिश को था कि मामा मुझे कुछ सबको देना है, तो अब्रिश के हाथ में गम थी तो अब्रिश ने सबको एक एक गम दिया और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो इनको सी ऑफ करने के लिए जो है वो नीचे तक गए। ये इसका नाम, छोटी सी जो प्रिंसेस आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इनका नाम जो है वो वरीशे है और ये मुझे बहुत क्यूट लगती है और इसने बहुत क्यूट क्यूट पोनियाँ भी जो है वो आप देख रहे हैं, इसने रेड बैंड्स लगाए हुए हैं, रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, तो बहुत क्यूट माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। जी ये जनाब सब ये जो है सियाफ बोल रहे हैं अब्बू को और बस उसके बाद हम लोग इनको जो है वो नीचे तक ड्रॉप करने के लिए गए। तो थैंक यू सो मच फातिमा एंड जीशान भाई कि आप लोग आज आ गए और आप लोगों ने जो है वो हमारे साथ डिनर किया और हमने अच्छे से गपशप लगाई और बहुत अच्छा जो है हमने आपके साथ डे स्पेंड किया। होपफुली आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना और अपना फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें और मुझे बताइएगा कि आपका सेकंड डे ऑफ ईद जो है वो कैसा रहा। हम लोग का तो सेकंड डे ऑफ ईद आप लोगों ने देख लिया है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।